हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे वेयर ऑफसेट की। वेयर ऑफसेट में आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा, अधिकांश मशीनों पे जो है उसकी एक लिमिट जो होती है वो फिक्स होती है 1 mm तक की, कि जब भी आप वेयर ऑफसेट में 1 mm से ज़्यादा वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पर वो मशीन नहीं लेगी। उसका जो वजह है, जो उसके पीछे जो कॉज है, वो है उसके पैरामीटर से उसकी जो वैल्यू है उसको लिमिट कर देना। उसकी एक सीमा हमने तय कर दी है तो वो 1 mm से ज़्यादा वो नहीं लेगी। तो वो जो पैरामीटर नंबर है उस पर हम क्या करेंगे, उस पैरामीटर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम जब चेंज करेंगे तो उससे लिमिट जो है आप घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मैं इसी वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो पहले आइए थोड़ा इसे हम बोर्ड पर समझ लें कि किस तरीके से ये काम करेगा आपका। इसमें जो है पैरामीटर नंबर जो होता है, एक होता है आपका 5013 और दूसरा होता है 5014। ओके, तो इसमें जो है आप जो है वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो वेयर ऑफसेट है, वेयर ऑफसेट की वैल्यू आप घटा सकेंगे और बढ़ा सकेंगे, ठीक है। तीन तरह के ऑफसेट होते हैं, जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोज में देखा होगा। तो उस पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा तीन तरह के ऑफसेट थे हमारे। एक था हमारा जियोमेट्री ऑफसेट, ठीक है जी। पहला जियोमेट्री है, सेकंड है हमारा वेयर ऑफसेट, तीसरा हमारा होता है वर्क ऑफसेट। ओके, तो इस तीन ऑफसेट में आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री ऑफसेट में तो क्या होता है, हम जो जब भी नया टूल हम उसमें एडजस्ट करेंगे, नया टूल लगाएंगे मशीन में, तो उसका क्या करेंगे, हम ऑफसेट लेते हैं तो उसकी ज्योमेट्री फिक्स करते हैं। तो इसका तो इजीली है करना, इसे हम कर लेते हैं। इसमें कोई इसका लिमिट का इसके अंदर कोई भी मैटर नहीं होता, बट वेयर ऑफसेट में इसका मैटर होता है। वेयर ऑफसेट किस लिए होता है, ये मेन क्या होता है, प्रोडक्शन के टाइम में जब हम कंपोनेंट को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वैल्यू को अप एंड डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो अप एंड डाउन करने के लिए कभी 10 माइक्रोन डालना है, कभी 20 माइक्रोन डालना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो अधिकांश जो मशीन टूल बिल्डर है जो मशीन को बनाते हैं वो क्या करते हैं, वेयर ऑफसेट की लिमिट फिक्स कर देते हैं कि 1 mm, ये 1 mm की वैल्यू जो है, ये दशमलव है, ये डेसिमल है, 1 mm से कोई अगर ऊपर ज्यादा वैल्यू डाल दे तो मशीन हमारी वैल्यू ना ले। क्योंकि जब कोई भी ऑपरेटर भाई जो है मशीन आके चलाते हैं तो कभी वो हो सकते हैं थके हुए हो या नींद में हो या कहीं ध्यान हो, क्योंकि इंसान की फितरत है गलती करना, तो ये ह्यूमन नेचर है। तो इसको रोकने के लिए कि किसी से ज्यादा बड़ी गलती ना हो जाए तो क्या किया, उसकी लिमिट 1 mm कर दी। तो आप जब तक वेयर में जाके वैल्यू डालेंगे, तो कभी भी आपने देखा होगा कि जो भी ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट करते हैं उनको यह बोला जाता है कि वैल्यू जो है आपको वेयर में डालनी है, ना तो ज्योमेट्री में डालनी है ना वर्क में डालनी है, आपको वेयर में डालनी है। तो वेयर में आपने क्या किया, यहां लिमिट बना दी 1 mm की। तो आपका जब प्लस माइनस होता गया तो वेयर में आपने क्या किया, 0.2 तक दे दिया चलेगा, 0.4 तक दे दिया, 0.5 दे दिया, 0.6 दे दिया। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यू देते देते जब आपकी वैल्यू 1 mm की हो जाएगी, 1 mm, उसके बाद अगर आप वैल्यू उसके अंदर और इनपुट करोगे ना, 1.02 भी करोगे आप, तो ये 20 माइक्रोन की जो वैल्यू है ये वैल्यू भी जो है मशीन आपकी नहीं लेगी। यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें अलार्म आ जाएगा, एक मैसेज आएगा, डाटा आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये 20 माइक्रोन की वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि इसकी जो टोटल वैल्यू है 1 mm हमने सेट कर रखी है, ठीक है। कहां से सेट कर रखी है, पैरामीटर से, पैरामीटर नंबर 5013 और पैरामीटर नंबर 5014। तो इस दो पैरामीटर से हमने इसे फिक्स किया हुआ है। तो अगर इसको हम छेड़ देंगे, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, तो आप इसको 1 mm की जगह 2 mm करेंगे तो 2 mm तक आप डाल सकते हो। लेकिन इससे दिक्कत हमें ही है कि ऑपरेटर ने अगर गलती से ज्यादा वैल्यू डाल दी तो मशीन ले लेगी। लेकिन इससे क्या है, इससे एक आपने क्या किया, एक
एक आपने वहां पे एक सीमा तय कर दी कि गलती से भी कोई अगर वैल्यू डाल दे तो मशीन हमारी 1 mm से ज्यादा कभी ना ले, मतलब एक अगर गलत पीस बन जाता है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो 1 mm के अंदर ही गलत होगा, 1 mm से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिमिट फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इस लिमिट को आपको कम से कम ही रखना है, कभी ज्यादा रखना नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर मशीनों पे आपको 1 mm ही मिलेगा ये। तो अगर इसे आपको घटाना है तो अच्छी बात है, लेकिन बढ़ाओ मत इसे कभी भी। ये 1 mm सबसे अच्छी, मतलब आपका सबसे बढ़िया अमाउंट है, यहीं तक आप इसे सीमित रखो, इससे ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब ये चेंज कैसे होगा, हम क्या करेंगे, 5013 नंबर पैरामीटर मशीन में जाके खोलेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू जितनी डालनी होगी हमें, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हमें डालनी होगी वेयर ऑफसेट के लिए, यहाँ पे हम वेयर ऑफसेट की बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ये हमारा वेयर ऑफसेट है, ठीक है। अब 5013 है, हमें 5013 में क्या है, इसकी लिमिट तय करनी है। तो हम जाएंगे 5013 पैरामीटर में और इसकी जो वैल्यू 1 mm है इसको हम कर देंगे 0.6, मतलब अब 600 माइक्रोन लास्ट है, 600 माइक्रोन से ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। अगर मैंने इसे कर दिया 0.8 तो ये 800 माइक्रोन से ज्यादा नहीं लेगा। तो इसी तरीके से ज्यादातर मशीनों पे क्या होगा, 1 mm होता है, ये 1 mm, 1 mm तक लेगा ये वैल्यू आपकी। अगर आप चाहोगे 10 mm ले लो तो यहां पे 10 लिख दो, लेकिन 10 लिखोगे तो क्या होगा, गलती हो सकती है कभी भी, क्योंकि वेयर में अगर किसी ने गलती से डाल दिया 2 mm 3 mm तो माल आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से वैल्यू को कम से कम रखना है। तो 1 mm जो है लास्ट की लिमिट है हमारी। अब मैं आपको इसको मशीन पे चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू चेंज करते हैं लिमिट के लिए, ये होती है 5013 नंबर पैरामीटर हमारा, ठीक है। अब जो है 5013 नंबर पैरामीटर ये है। अब 5014 में क्या करेंगे हम, 5014, इस 5014 में हम ये बताते हैं कि एक बार में अगर कोई वेयर में वैल्यू डालेगा, कोई भी ऑपरेटर भाई को उसकी वैल्यू को घटाना है बढ़ाना है, तो वेयर में जाके उसने 20 माइक्रोन डाला, तो एक बार में मशीन ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू ले सकती है, तो यहां पे हम ये फिक्स करेंगे। हमने यहां पे लिख दिया 0.5 का मतलब क्या हो गया, 500 माइक्रोन, कि किसी भी भाई ने अगर गलती से भी या अगर मतलब इंटेंशनली भी अगर उसे वैल्यू डालनी है तो वो जब 0.1 तक डालेगा तो भी ले लेगी वैल्यू एक बार में, 0.2 तक डालेगा तो भी ले लेगी वैल्यू एक बार में, 0.3 तक डालेगा वो भी ले लेगी, 0.4 डालेगा ये भी ले लेगी, 0.5 डालेगा ये भी ले लेगी। लेकिन 0.5 के बाद अगर उसने एक बार में वैल्यू को डालनी चाहिए, 5.3 भी डालना चाहा वैल्यू, तो मशीन नहीं लेगी, क्योंकि एक बार में कितनी वैल्यू लेगी, मैक्सिमम 0.5 वैल्यू लेगी एक बार में, ये एक बार में लेगी, ठीक है। और टोटल कितनी ले सकती है, टोटल लेगी 1 mm, मतलब आप 0.5 करके दो बार में ये वैल्यू आप 1 mm डाल सकते हो, ठीक है। ये तब की बात है जब मैंने ये 0.5 कर रखा है। अगर ये 5014 में मैं ये वैल्यू 0.2 कर दूं तो ये 200 माइक्रोन हो गया। अगर मैं 200 करके डालूंगा तो ये मैं 1 mm की जो लिमिट है इस यहां तक पहुंचने के लिए मैं 0.2 को क्या करूंगा, 5 बार डालूंगा, 5 times, तब जाके ये वैल्यू 1 mm तक हो जाएगी। अगर ये 0.2 लिख दिया है ना तो मैं यहां पे 0.3 करके इनपुट नहीं कर सकता। अगर मैं 0.3 करके इनपुट करूंगा तो मशीन हमारी नहीं लेगी, क्यों, क्योंकि एक बार में हम 0.2 की वैल्यू डाल सकते हैं केवल, ठीक है, 0.2 करके डाल सकते हैं 1 mm तक। ये हमारी क्या है, लास्ट की लिमिट है 1 mm की। और ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू जो होती है 5014 की, ध्यान से देख लीजिए आप, 5014 से आप एक बार में कोई वैल्यू डालोगे तो कितनी डाल सकते हो, ठीक है। तो आइए इसकी जो है हम प्रैक्टिकल वीडियो मशीन पे करके मैं आपको दिखाता हूं कि पैरामीटर को मशीन पे निकालेंगे कैसे और फिर इसकी वैल्यू हम डालते कैसे। आइए चलते हैं मशीन पे। दोस्तों देखिए मशीन पे हम आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो है वेयर की जो पैरामीटर है वेयर ऑफसेट के लिए हम कैसे उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, पैरामीटर नंबर 5013 और 5014। तो उसमें जाएंगे हम, उसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे मशीन पे, ये देखिए मशीन पे आ चुके हैं पहले, ठीक है, आप मशीन पे देख पा रहे हैं। अब मशीन पे देखिए हम जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आपको वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करना है। आइए ये देखिए ये मशीन पे गए हम और मशीन पे हमने क्या किया है, सबसे पहले
आप ये देख लीजिए, ये MDI जो है, ये MDI आपका ब्लो करना चाहिए। अगर ये किसी पे भी है तो सबसे पहले क्या करना है, MDI दबाना है आपको। MDI के बाद आपको क्या करना है, ये जो चाबी है ये IO, इस सबको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसे ओपे कर लीजिए। इमरजेंसी स्टॉप आपका खुला होना चाहिए, ये खुला हुआ है। तो ये चाबी और ये MDI का ध्यान रखना है आपको, देख लीजिए, ठीक है। अब MDI में आप जाएंगे, MDI, ठीक है। अब आप इस स्क्रीन पे कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे ऑफसेट सेटिंग पे। जब हम ऑफसेट सेटिंग पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो स्क्रीन है हमारी, ये स्क्रीन हमारी चेंज हो जाएगी, ये हमारी चेंज हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये आपका ऑफसेट वाला की बटन है, मैं इस पर उंगली करता हूँ, देखिए ये वाला जो है इसको आपको दबाना है। मैं इसे दबाऊंगा तो ये आपकी स्क्रीन चेंज होगी, देखिए आप, ठीक है, यही वाला था ना, ये देखिए दबाऊंगा स्क्रीन चेंज होगी, ये देखिए स्क्रीन चेंज हुई। फिर दोबारा एक बार दबाएंगे, फिर ये आ गई है आपकी स्क्रीन, आ गई है पैरामीटर की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर राइट डिसेबल इनेबल, तो हमको इनेबल करना था, लेकिन ये क्या है, पहले से इनेबल हो रखा वन है हमारा, देख लीजिए आप। अगर ये वन है तो ये इनेबल है, और अगर जीरो है तो डिसेबल है। तो हमें इनेबल करना था तो वन कर लिया। अगर इसको हमें डिसेबल करना होगा तो कैसे करेंगे, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। इसमें हम जाएंगे जीरो को दबाएंगे, जीरो, ठीक है, देख लीजिए जीरो दबाया मैंने। अब मैं करूँगा इसे इनपुट, तो देखिए ये जो वन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, देखिए हो गया ना जीरो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसे इनेबल करना है, तो हम दबाएंगे क्या दोबारा, वन, और फिर क्या करेंगे, इनपुट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये वन आ गया आपका, ये देख लीजिए की ध्यान से, ये रहा इनपुट का की है ये आपका, और ये वन और जीरो यहाँ से टाइप किया हमने। आइए अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पैरामीटर निकालना था 5013 और 5014। तो 5013 के लिए हमने टाइप किया यहाँ पे 5013, ठीक है, ये टाइप किया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया 5013, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है नंबर सर्च। नंबर सर्च के नीचे का हम ये बटन दबा देंगे तो ये हमारा पैरामीटर खुल के आ जाएगा। ये देखिए ये 5013 आ गया ना आपका, ये 5013 में वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ये देखिए ये आ रही है वैल्यू हमारी 0.5, जो मैंने आपको समझाया था बोर्ड पे 0.5, और एक बार में कितनी वैल्यू लेगा, 0.5 ही लेगा एक बार में, और ये 0.5 है। इसको हम करेंगे 1 mm, तो 1 mm करने के लिए देखिए मैंने टाइप किया 1.00, ठीक है। अब आप ये साथ साथ देखते चलिए बोर्ड पे, यहाँ पे पूरा आएगा। मैंने 1.00 किया, देखिए यहाँ पे भी लिखा आ गया 1.00, और कौन सा बटन दबाना है हमें, इनपुट का दबाना है दोस्तों। देखिए जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इनपुट है ना, इनपुट दबाना आपको। मैं गया और मैंने दबा दिया कौन सा बटन, इनपुट, देखिए वैल्यू जो थी 0.5 वाली हो गई 1 mm, और एक बार में कितना लेगा 0.5, मतलब आप एक बार में 0.5 वैल्यू देंगे। अब हम चलते हैं किसी टूल में, चल के दिखाते हैं आपको। टूल में जाने के लिए जाएंगे ऑफसेट है इस वाले टूल में, देखिए, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है क्या, ऑफसेट लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए, इस ऑफसेट को दबाएंगे आप, हमने दबा दिया और हमारा क्या हुआ, ऑफसेट का टेबल निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वेव की वैल्यू दे रखी है। अब मैं मान के चलता हूँ मैं 5 नंबर टूल में गया, मैं 5 नंबर टूल में गया और मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को देखिए यहाँ पे 0.340 है, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, मैं एक नया वैल्यू दिखाऊंगा आपको। आप चलिए 3 नंबर के टूल में देखिए 0.000 वैल्यू है। तो यहाँ मैक्सिमम 1 mm वैल्यू लेगी हमारी पैरामीटर के हिसाब से, और एक बार में आप 500 माइक्रोन दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ इसमें कितना, 200 माइक्रोन, 0.2, ठीक है, 0.2 किया। फिर मैंने देखिए यहाँ पे दबाया नीचे इनपुट, इनपुट किया, ये पूछ रहा है इनपुट ओके, क्वेश्चन मार्क कर लिया इसने कि करना है, मैंने कहा यस, तो मैं इसे दबाऊंगा एग्जीक्यूट। तो देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 0.2 हो गई। अभी 1 mm की हमारी लिमिट थी तो 0.2, ये तो अभी 800 माइक्रोन 0.8 वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। अब इस बार मैं वैल्यू दूंगा 0.5 की, ठीक है ना, 0.5 की क्यों, 0.6 की देता हूं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि एक बार में 0.5 से ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि 0.5 की हमने लिमिट दे रखी है एक बार में देने की। मैं यहाँ करता हूँ 0.6, अब देखिए 0.6 ये लेगा नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, देखिए। अब मैं करता हूँ इनपुट के नीचे का बटन दबाया मैंने,
इनपुट। देखिए ये क्या लिखा आ गया, डाटा इज आउट ऑफ रेंज। क्यों आ गया लिखा हुआ, क्योंकि 5014 में मैंने कहा था कि एक बार में आप 0.5 से ज्यादा वैल्यू नहीं डाल सकते, हमने यहां पे 0.6 डाला इसलिए इसने लिया नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां जाऊंगा, ये कैन का बटन दबाऊंगा और इसको मिटा दूंगा। अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, कितना 0.5 डालूंगा तो ले लेगा, क्योंकि 0.5 हमारी लिमिट है ये वाली। अब 0.5 मैंने टाइप कर दिया, देख लीजिए आप। अब मैं यहां डालूंगा इनपुट, देखो अब ये बोला इनपुट करना है जी, ओके। मैंने कहा हाँ जी ओके, ये लीजिए एग्जीक्यूट कीजिए इसे आप। एग्जीक्यूट किया तो देखिए 0.2 और 0.5 जुड़ के कितने हो गए, 0.7। अब हमारी कितनी लिमिट है, 0.3 की लिमिट और है लास्ट हमारी। तो अब मैं इसमें 0.3 की लिमिट है तो मैं ज्यादा डाल के दिखाता हूँ, नहीं लेगा, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1 mm की थी हमारी वेयर की। तो मैंने देखिए 0.4 डाल देता हूँ मैं, तो अब ये नहीं लेगा, क्योंकि 1 mm के पूरा करने के लिए 0.3 वैल्यू ही चाहिए मैक्सिमम हमें। अब यहाँ पे 0.4 डालूंगा तो नहीं लेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट किया, ये देखिए क्या लिखा आ गया, डाटा इज आउट ऑफ रेंज, मतलब आप ज्यादा वैल्यू डाल रहे हैं तो अब ये ज्यादा से ज्यादा 0.3 तक की वैल्यू लेगा। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं कैंसिल करूंगा इसको, ओके डिलीट करूंगा इसे, देखिए ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब 0.7 है तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 0.3, देख लीजिए 0.3 डाल रहा हूँ। अब मैं करूंगा इनपुट तो ये ले लेगा, अब 1 mm वैल्यू हमारी पूरी हो गई जितनी हमने पैरामीटर में डाल रखी थी 5013 में जो वैल्यू डाली थी 1 mm लास्ट है। अब हम इसमें कुछ भी वैल्यू डालें तो ये नहीं लेगी। देखिए अब मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा मैं 0.1 डाल रहा हूँ, 0.1। अब मैं करूँगा इनपुट तो देखिए मना कर देगा लेने से, डाटा इज आउट ऑफ रेंज, क्योंकि लिमिट इसकी पूरी हो चुकी है 1 mm की। तो दोस्तों इसको जो है हमको इसी तरीके से चेंज करना होता है। मैं इसे मिटा दूँ, पहले कैन करके मैंने इसे मिटा दिया। अब मैं जाऊँगा फिर पैरामीटर में, तो मैं पैरामीटर के लिए अब दबाऊँगा बटन कौन सा, सिस्टम, देखिए सिस्टम दबाया, ये आया 5013। अब मैं देखो इसी 1 mm को मैं 1.3 कर देता हूँ, देखो 1.3 के मिले, यहाँ बटन दबाया 1.3, ठीक है। और फिर क्या दबाना है मुझे, देखिए ये इनपुट दबा दीजिए आप, इनपुट दबाऊंगा, देखिए इनपुट दबाया तो वैल्यू देखिए क्या हो गई, ये मेरी 1.3 हो गई। अब मैं उसी ऑफसेट में जाऊँगा दोबारा जहाँ ये वैल्यू नहीं ले रहा था आपका, देखिए मैं गया ऑफसेट सेटिंग में, दबा रहा हूँ ऑफसेट का बटन, ये दबाया आपका, देखिए ये टेबल आ गया ऑफसेट का। अब देखिए वन वाला था वो ले नहीं रहा था, अब मैं देखो इसमें 0.3 डालूंगा तो ले लेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको 0.4 डाल के दिखाता हूँ कि नहीं लेगा ये देखिए 0.4 डाला हूँ। अब मैं इसे इनपुट करूंगा तो देखिए ये ले रहा आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है ये, ठीक है ना, मतलब नहीं ले रहा, मैंने 0.3 बढ़ाया था, ये 0.3 ही लेगा ये। अब मैं इसे फिर करूंगा कैन से डिलीट, कैन किया ये मिट गया, ठीक है। अब मैं टाइप कर रहा हूँ 0.3, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 0.3 की वैल्यू डाल दी, अब मैं इसे इनपुट करूंगा तो ये बड़ी, अब देखिए बड़े आराम से ये ले लेगा, ये देखिए इनपुट, अब ये बोला इनपुट ओके, मैं कह रहा हूँ यस एग्जीक्यूट, देखिए एग्जीक्यूट के नीचे का बटन दबा रहा हूँ, देखिए ये 1.3 की वैल्यू आ गई। ये किस वजह से आई है, क्योंकि मैंने वेयर में जो है इसकी वैल्यू को चेंज किया है पैरामीटर में जाके। अब ये सिस्टम पे जाइए, सिस्टम पे बटन दबाया मैंने और देखिए 1.3 की वैल्यू जो थी ये डाला हुआ, इस वजह से लिया है। तो यहाँ पे आके आप जो है वेयर की वैल्यू जो है पैरामीटर के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, इसकी लिमिट को आप आगे पीछे कर सकते हो कम या ज़्यादा जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है। और 5014 जो है ये 0.5 है, मतलब एक बार में आप कितना वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मैंने क्या बोला, 0.5 डाल सकते हो आप, ठीक है। तो 0.6 डालोगे तो मशीन नहीं लेगी एक बार में, ओके दोस्तों। तो ये आपका प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या है वेयर की जो है पैरामीटर में जाके वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 5013 नंबर और 5014 नंबर, इस तरीके से आपका 5013 और 5014 नंबर जो है इसमें आप जाके पैरामीटर को चेंज कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए और वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।